क्या कुछ कहेंगे हेमंत सोरेन को जमानत के लिए 5 महीने के बाद? ये तो मोदी जी की साजिश थी। उनका जो काबे है, जो मेरे पक्ष में आओ वो ठीक, चोर भी इंसान बन गया, जो मेरे पिपाच में गाओ गर्दन पकड़ के खींच लेंगे। भारत हाईकोर्ट का मानना है कि कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल सही मानना न्यायालय का बिल्कुल, लेकिन 5 महीने तक वो जेल में रहे हैं। उनकी इसके लिए माफी मांगी। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई ईडी सीबीआई जो भी है, लेकिन जब सबूत नहीं पेश कर पाई तो सवाल ये उठता है कि 5 महीना जेल में रखने का जिम्मेवार कौन है आखिर? ईडी सीबीआई वाले आकर के सामने माफी मांगे, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना होगा। इंसाफ की जीत हुई है और झूठे और बेईमानों और मक्कारों की हार हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने के बाद जो है जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने माना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इन्हीं मुद्दों के साथ पटना जंक्शन पे है, जनता से जानेंगे आखिर में सवाल उठता है जब कोई सबूत नहीं था तो 5 महीने तक जेल में क्यों रखा गया? क्या कुछ कहेंगे? 5 महीने जेल में रखने का कारण था ईडी सीबीआई पर दबाव था। ईडी सीबीआई पर दबाव डाला गया था भारत के सरकार की तरफ से कि जैसे केजरीवाल हो गए उनको भी जेल में रखा गया। आपको पता होगा पर्याप्त सबूत अभी तक जो है कोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है वो भी 6 महीने के बाद बेल पर बाहर है। यानी कि इनके पास सबूत नहीं है, जबरदस्ती जो है लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और जब सबूत नहीं मिल पा रहा है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल दे दे रहा है। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई ईडी सीबीआई जो भी है, लेकिन जब सबूत नहीं पेश कर पाई तो सवाल ये उठता है कि 5 महीना जेल में रखने का जिम्मेवार कौन है आखिर जवाब तो देना होगा। ईडी सीबीआई वाले आकर के सामने माफी मांगे, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना होगा। क्योंकि ईडी सीबीआई जो है अब तक सब जानते हैं कि सरकार के इशारों पर अब काम करने लगी है। ईडी सीबीआई जो है सरकार का जो है तंत्र है और वो तोता है, सरकारी तोता ईडी सीबीआई है, ठीक है, और इनकम टैक्स, ये तीनों सरकार की तोता है। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया। अरे अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, आपको पता है ना बेल मिल गया था लेकिन फिर उनको जेल के अंदर से फिर से गिरफ्तार किया गया, यानी दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो उनको भी बेल जल्द ही मिलेगा। आपको पता है जल्द से जल्द उनको भी बेल मिलेगा। और इतना जानिए कि इंसाफ इस देश में हो रहा है और होगा, कोर्ट पर न्यायालय पर सबको भरोसा है, विश्वास है। कहना चाहते हैं इंसाफ की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है और झूठे और बेईमानों और मक्कारों की हार हुई है। ईडी सीबीआई के अंदर अगर थोड़ा भी शर्म बचा है तो जाकर के हेमंत सोरेन से माफी मांग ले और संजय सिंह से भी माफी मांग ले और आने वाले दिनों में इनको अरविंद केजरीवाल से भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि बता देते हैं जो भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के बोला है तो उनको इनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है जेल में डलवाने का काम की है। लेकिन ऐसे क्यों किया जा रहा है? तानाशाही, जो तानाशाही मोदी सरकार चाह रहा था। आपको पता होगा ओम बिरला साहब स्पीकर पद पे हैं लेकिन उनका तानाशाही खत्म नहीं हो रहा है। आप देखोगे इससे पहले भी 150 सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। आज राहुल गांधी आज राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी बोल रहे थे, स्पीकर साहब तुरंत उनका जो है उनका आवाज म्यूट कर देते हैं, आवाज खत्म कर देते हैं। मतलब साफ साबित होता है कि स्पीकर साहब नहीं चाहते है कि नीट का जो पेपर लीक मामला है वो सदन में उठे। राहुल गांधी उठा उनका आवाज बंद कर दे रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि नीट का जो असल आरोपी वो गिरफ्तार हो। इससे तो साफ साबित हो रही है सरकार तानाशाह हो चुकी थी 2019 से 2024 वाला में, लेकिन अब सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि सरकार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत जो है वो नहीं है। और इस बार विपक्ष भी मजबूत, विपक्ष बहुत मजबूत है। आने वाले में दिनों में विपक्ष इन पर हमेशा हावी रहेगा, देखिएगा। चलिए और भी लोग हैं, हेमंत सोरेन को आज जमानत मिली है 5 महीने के बाद, क्या कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो सब मुंह देके काम करता। अरविंद केजरीवाल क्यों मिला था जमानत पर्चा, इसको क्यों नहीं मिला, तो समझने की बात है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद नेताओं के आगे पीछे लगा रहता है, पब्लिक के तो काम देखता है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट पर तो एकदम नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पर एकदम नहीं, सुप्रीम कोर्ट खाली नेता के काम देखता है और कुछ नहीं। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ नीट के परीक्षा हुआ कितना गड़बड़ हुआ, बिहार में 1 महीना में 4 पुल गिरा, उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, चाहे तो राज्य सरकार नीतीश कुमार चाहे वो खरबो डुबा रहे, समझे। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे हेमंत सोरेन को जमानत मिली है 5 महीने के बाद? ये तो मोदी जी की साजिश थी बिल्कुल साजिश। जो झारखंड हाईकोर्ट है उनका काबे है, जो मेरे पक्ष में आओ
वो ठीक हाँ। चोर भी इंसान बन गया जो मेरे पिपास में गर्दन पकड़ के खींच लेंगे, चाहे ईडी हो सीबीआई हो जैसे हो हाँ। जैसे उदाहरण में देख लीजिए 12 से 13 सांसद 200 वोट से जितवाए हैं। बारह से हाईकोर्ट का मानना है कि कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल सही मानना न्यायालय का बिल्कुल। लेकिन 5 महीने तक वो जेल में रहे हैं, उनकी इसके लिए माफी मांगे देश के सामने। किसकी साजिश लग रही है? मोदी जी की साजिश, और किनकी साजिश अभी रहेगी? क्यों करेंगे वो ऐसा? अपनी सत्ता पाने के लिए। उनसे डर था कि चुनाव में हमें वो डिस्टर्बेंस करेंगे। बिल्कुल इसीलिए चुनाव बाद अब निकले जेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। लोग कहते हैं सरकार करती है भाई, नेताओं बुर्बक है और 2 रुपया वो की रखते हैं, और कोर्ट है तो प्रूफ पर चलती है, सबूत पर चलती है। कोर्ट ने मान लिया कि कोई सबूत नहीं है, सबूत पेश नहीं कर पाए। सब सबूत पेश होगा, कोई नेता हो 1 अरब के लोगों की रखता है। अभी तक है कम से कम 20-22 अरब सिंघवी के अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं। हेमंत सोरेन की बात हो रही है? हाँ हेमंत सोरेन बात हो रही है, हेमंत सोरेन की बात हो रही है। तो मैं कोई भी नेता हो, मैं छोटा मोटा वकील नहीं रखता है, फिर भी लोग नहीं बच पाते हैं। पर हाई कोर्ट ने माना है कि सबूत नहीं है। आप देखिएगा आगे, देखिएगा ना, फिर मिलेगा, जमानत मिल गई है। हाँ फिर मिलेगा, सबूत मिलेगा। देखिए हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए, न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी, जमानत देते हुए हाई कोर्ट बोला पूर्व सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अरे कहे ना कि ये भी तो सब बंटा हुआ है। कौन बंटा हुआ? जो बंटा हुआ है, कोई जमानत देगा कोई नहीं देगा। हाँ सुप्रीम कोर्ट में देखे ना, एक जज ने अरविंद केजरीवाल की जमानत दे दिया और रिहाई के कापी नहीं दिया, और दूसरा फिर रोक लगा दिया। सब मतलब वही है। नहीं, केजरीवाल को जमानत मिला फिर उसको स्टे कराया, क्यों कराया गया? आपको डर है हमसे कि बाहर आएंगे? डर कोचे डर किसको है? सुन लीजिए आप, डर नहीं है तो ऐसे ही चुपचाप रहिए ना। पहले विधानसभा में क्यों नहीं हो जीत पाए? ये लोग कहते हैं कि डर है, 240 सीट लाया है। सुन लीजिए हमको ये करके लाया सीट। अरे केजरीवाल को बाहर रखता तब वो जीतता था, क्या सुनेंगे बात को? हम 240 सीट लाया तो कौन सा मंत्री किसको दे दिया? सबको झुंझुना पकड़ा दिया, अध्यक्ष पद तो देवी ने किया। डर कहाँ है? डर कुछ नहीं है। हाँ खटिए डेली नौकरी करिए, उससे क्या मतलब है? लगातार विपक्ष पे ईडी सीबीआई का दबाव बना, बिल्कुल दबाव है ना। पूरे भारत में ये देखा जा रहा है कि जो उनके विपक्षी पार्टियां उनको सब कोई को दबाया जा रहा है। तानाशाही किया है? आप नहीं चला गया तानाशाही? जो इतना करना था कर लिए, 2024 के इलेक्शन से पहले कर लिए। अब वो खुद कमजोर महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास मात्र 240 सीट है, पिछले बार 303 सीट थी, इस बार 240 है, इसलिए वो तानाशाही नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं अगर जहां हम तानाशाही करेंगे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हट जाएंगे। आपको बता दे कि मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने वाले, जब कांग्रेस बोल रही थी कि हम मुस्लिमों का 4% आरक्षण देंगे, तो नरेंद्र मोदी और उनके तमाम जितने बड़े बड़े भाजपा के नेता तमाम विरोध कर रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण बाप रे बाप, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिनके साथ वो शामिल है वही कहे कि हम आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए सबसे पहले कि चंद्रबाबू नायडू का दिया हुआ समर्थन उन्हें वापस कर दे, कि चंद्रबाबू नायडू साहब आपका हमको समर्थन नहीं चाहिए क्योंकि आपने मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है। आपने जितना भी मौलाना लोग हैं मस्जिद में उसको 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जितना मस्जिद आंध्र प्रदेश में 5,000 रुपये महीना दे रहे साफ सफाई के लिए। तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू साहब नाता तोड़ लीजिए, तब ना हम समझेंगे आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। चल रही है सरकार झूठा झूठा हल्ला करते, हम हिंदुत्व के नाम पर चलते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते ये लोग, हिंदू को भी ठगने का काम करते हैं। जैसे हेमंत सोरेन निकले, लग रहा है केजरीवाल भी निकले, केजरीवाल भी निकलेंगे, केजरीवाल भी निकलेंगे, और इन लोग के आंख में शर्म है अभी भी, तो माफी मांग ले, अभी भी माफी मांग ले, इन लोग के पास अभी वक्त है कि माफी मांग ले, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता जो है इस बार 240 दी है तो अगला बार 40 भी लाने लायक नहीं छोड़ेगी। जनता जागरूक है और आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी हेमंत सोरेन की जमानत के मामले में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताया। धन्यवाद।